मौका दिया संदीप शर्मा ने बाद में, और बड़ी नो बॉल, छोटी नो बॉल नहीं थी जैसे बनाता ने बताया। दादा ये कैसे हो सकता है? वैसे संदीप शर्मा यार इतना वेटरन इंसान है, लास्ट बॉल तूने करानी है, एक बॉल निकाल लिया, इतना बड़ा पैर बाहर निकाल के नो बॉल, क्लासिक पता क्लासिक एरर। आज कौन सी बॉलीवुड की फिल्म चल रही थी यहां पर जो हुआ है? बिल्कुल वासुदा ने बताया था, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज यही बॉल बार बार हो रही है। एंटीसिपेशन आपको आपको थोड़ा रन बनाया और पोजीशन थोड़ा पॉइंट्स दिखाएंगे, लेकिन ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने भी आज बोल दिया कि भाई हम भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं है बॉस, वो भी अब हम भी टूर्नामेंट में है, ऑरेंज आर्मी टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत 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 बड़ा झटका है, जैसे दादा ने बोला है कि संजू सैमसन सोच रहे होंगे भाई अब जीता हुआ मैच हार गए हो, जीता हुआ मैच क्यों? क्योंकि आपने लास्ट बॉल में नो बॉल कर दी। जॉस बटलर ने जब कैच ली, बटलर तो ऐसे आ रहे थे कि चलो भाई भौके दे पे मैच खत्म हो गया, बट आपकी गलती, आप क्यों लास्ट ओवर तक ले गए? क्लासिन ने आपको मारा, क्लासिन ने पहले धोया आपको, राहुल त्रिपाठी ने आपको मारा, युजवेंद्र चहल ने आज तो मैच जिता दिया था, तीनों उसने आउट कर दिए, उसके बावजूद आज कुलदीप सेन को मारा, ग्लेन फिलिप्स के डोले यार, सही बात है, के डोले। अच्छा ये है कि जीटी टॉप में है, हाँ सीएसके ठीक है, सेकंड ठीक है, एलएसजी थर्ड पे है, ठीक है ठीक है, और आरआरबी 10 11 खेल के 10 पॉइंट में है, और ठीक है आरआर के साथ आरसीबी एमआई किंग्स चारों टीम 10 पे है, हाँ SRH, DC, आठ पे, 8 each, after 10 games. तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है, GT is clearly the head, I mean the one which is ahead. तो CSK ने 11 मैच खेला, 13 पॉइंट, LSG ने 11 मैच खेला, 11 पॉइंट, RR ने 11 मैच खेला, 10 पॉइंट, तो RR ने एक एक्स्ट्रा मैच खेल लिया, एक्स्ट्रा मैच खेला है, पॉइंट्स कम है, वो नीचे तो कल के बाद शायद उनका नंबर नीचे आएंगे। अब इन्होंने बहुत बड़ा आज इनका हो गया, ये नीचे आने वाले हैं, LSG नीचे आने वाले हैं, कल या तो आरसीबी जो बाद में मुंबई, वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मुंबई वर्सेस आरसीबी, कल पंजाब, ये एक्चुअली बैटल ऑफ नॉर्थ, अगर पंजाब जीतता है टॉप फोर में आ जाएगा, कल प्ले ऑफ की रेस में आ जाएगा, कल पंजाब के लिए बहुत बड़ा मैच है, और अगर केकेआर जीतता है तो वो भी अपने आपको चांस देखे, ये बहुत क्रेजी रेस हुई है। बट वासुदा एंड में बड़े डीसी के लिए अच्छा नहीं है, डीसी फिर से नीचे चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार मैच जीते हुए है ना, ये सब पांच में रह गए, आसपास ही है सारे, तो आप सोचो पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, माने आप सोचो आउट ऑफ 10 टीम्स, एक सारे टीम का पॉइंट 11 से 8 के बीच, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो ऐसा कॉम्पिटेटिव आईपीएल चाहे जिंदगी में कभी पहली दफा हो रहा है, इतना कभी इतना पहले से लग रहा था इस आईपीएल का जो इंटेंट है वो बहुत ज्यादा और इसी कारण शायद अभी भी, कल जो सौरभ बता रहे थे, हम वी आर स्टिल इन द रेस, सौरभ और हैदराबाद भी कहेंगे बिल्कुल है स्टिल इन द रेस आईपीएल के अंदर, जैसे अभी दादा ने भी बोला लक्ष्य ब्लाइंडर भाई मेरे, जो आपको लग रहा था 10वीं नंबर की टीम है, बाय बाय हो गया, टाटा हो गया, कोई टाटा बाय बाय नहीं हुआ, ऊपर वालों का फॉर्म गिर गया है, नीचे वालों का फॉर्म चढ़ गया है, सनराइजर्स ने आज जिस तरीके से राजस्थान को रॉयल्स को हराया, वहां पे संजू सैमसन बिल्कुल डिफ्लेटेड लग रहे हैं, ये मैच इनके पॉकेट में था, मैं तो ये है क्या बोल रहे हैं थोड़ा बताइए, जब मुझे ये बताओ संदीप शर्मा ये जब चेज हो रहा था 10th ओवर में था, ये भाई साहब ने हमें तुरंत बोलता रहा ये मैच होगा, आई कुडंट बिलीव दिस इज एक्चुअली इनफैक्ट इट took time for me to soak into the thing and whether they've actually won by 4 wickets. मेरे सवाल का जो जवाब दो, संदीप शर्मा जैसा वेटरन आदमी नो बॉल कैसे कर सकता है लास्ट बॉल पे? नो बॉल हो सकता है ऐसे, बट इतनी बड़ी नो बॉल, दिस इज इन इंग्लिश वी कॉल कार्डिनल सिन, इससे बड़ा आई मीन गुस्ताखी कोई बॉलर अगर करेगा, आई डोंट थिंक ही शुड बी प्लेइंग नेक्स्ट मैच एज अ पनिशमेंट। जिस आदमी ने धोनी के सामने, रविंद्र जडेजा के सामने तीन बॉलों में, अभी देखिए बिजनेस एंड है, पिछले मैचेस में आप क्या किया डजंट मैटर,
अब क्या किया, इतनी बड़ी लो बॉल कर दी और अब्दुल समद के लिए ताली है यार भाई। आप अब्दुल समद ग्लेन फिलिप्स को बोला मत सर, असली बैच, असली बैच वो जो वापस लेके आया, देखो क्लासिक भी वाला, राहुल त्रिपाठी भी कर रहा था, बट असली बैच जो बनाया है ना ग्लेन फिलिप्स ने बनाया, 25 रन 7 बॉल आपको बताऊंगा ये पॉसिबल, अभी डिस्कस करा पॉसिबल। गुजरात टाइटन सीएसके थ्रू है, ऑलमोस्ट थ्रू है। लखनऊ सुपर जायंट्स हार गई है, 11-5 है, ये नीचे आएंगे, ये कल नहीं परसों नीचे आ जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स 11-5 है, ये भी नीचे आएंगे। बाकियों को देखो 10-5 है, ये सारी टीम्स ना अभी आपको लग रहा है तीसरे पे एलएसजी है, चौथे पे आरआर है, बट ये आगे नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अभी जो नीचे वाली है ना मेरी जान, वो ऊपर आएगी जैसे पानी जो जीतेगा वो ऊपर आ रहा है। आरसीबी मुंबई से जीतती है ऊपर आती है, मुंबई आरसीबी से जीतती है वो भी ऊपर आएगी, पंजाब केकेआर से जीतती है ऊपर आती है। अच्छा केकेआर अगर जीती है तो ऊपर भी आती, बट फिर भी 11-5 वो टाई भाई, नेट रन रेट को लेकर कुछ ऊपर आएगी, ठीक है कुछ ऊपर पर। केकेआर अगर जीत जाती है 11-5 हो जाती है, दे विल बी इक्वल टू एलएसजी एंड राजस्थान रॉयल्स। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, ना केकेआर नीचे है ना ऐसा, इवन सेम फॉर दिल्ली, अगर दिल्ली जीत जाती है अपने सर, अभी आप ये देखो आज हैदराबाद ने, आज हैदराबाद ने 10वां मैच खेला है, हैदराबाद अगर अगला जीतता है वो भी बराबर है एलएसजी और राजस्थान के, 11 में से वो 5 जीतेंगे भाई। ये 11-5 वाले एलएसजी और राजस्थान रॉयल्स दे आर एज गुड एज डीसी जो 10-4 है, हैदराबाद हैदराबाद जो 10-4 है, एंड केकेआर जो 10-4 है। मतलब इस बार का आईपीएल नंबर 3 नंबर 10 की टीम तक सब सेम खड़े, सब सेम, कोई आगे कोई